गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आपणे गुजरातीना धोरण 7ना पाठला वीडियोनी अंदर पार्ट 3 मेहनतनो रोटलो नु पुनरावर्तन कर्यु हतु। आजे आपणे जे परीक्षा शुरू थई गई छे एने अनुलक्षीने आपणे वात करवाना छे अने साथे साथे पार्ट 1 नु फरीवार पुनरावर्तन करवाना छे। तो सौथी पहेला आपणे परीक्षा लक्षी वात करीशुं। डियर स्टूडेंट, तमारी PT1 नी परीक्षा शुरू थई गई छे, तो तमारे तमारी नोटबुक में कई रीते प्रश्नपत्र लखवू ए प्रश्न मूंझवतो हशे। तो आजे आपणे सौ प्रथम प्रश्नपत्र कई रीते नोटबुक में लखवू तेनी वात करीशुं। सौथी पहेला तमारे नोटबुक में इंडेक्स नी उपर तमारू पूरू नाम लखवानू छे, त्यार बाद इंडेक्स नी अंदर प्रश्नपत्रना क्रमानुसार एटले के जे प्रश्नपत्रनू टाइम टेबल तमने आपवामां आव्यु छे ए अनुसार तमारे तमारा स्टैंडर्ड प्रमाणे तमारा धोरण प्रमाणे प्रश्नपत्रनो सिक्वन्स नी अंदर नाम लखवानू छे। त्यार पछी ए नंबरनी सामे विषय लखवानो छे, जे सीरियल नंबर तमे लख्यो छे ए सीरियल नंबरनी सामे, पहेलू पेपर जो गुजराती होय तो गुजराती, गणित होय तो गणित, ए रीते तमारे शुं करवानुं छे प्रश्नपत्रनुं नाम लखवानुं छे। प्रश्नपत्रनुं नाम लख्या बाद सामे ए प्रश्नपत्र जे तारीखे होय ए तारीखे तमारे प्रश्नपत्रनी तारीख छे ए तारीख लखवानी छे। डियर स्टूडेंट, त्यार बाद प्रश्न आटलू इंडेक्स में लखी दीधा बाद तमारे नवा पेज उपर प्रश्नपत्र लखवानी शुरुआत करवानी छे। डियर स्टूडेंट, आपणे नोटबुक में प्रश्नपत्र लखवाना छे एटले नवा पेज उपर प्रश्नपत्र लखता पहला प्रश्नपत्रना जवाबो लखता पहला नोटबुकमां नवा पेज उपर आपणे ज्यांथी प्रश्नपत्रना जवाबो लखवाना छे त्यां उपरना मथाळा उपर तमारे विषय तारीख लखवानी छे। अने आटलू लखी लीधा बाद तमारे प्रश्नपत्र लखवानी शुरुआत करवानी छे, परंतु प्रश्नपत्र लखता पहेला तमारे आखुं जे प्रश्नपत्र छे एने एकवार व्यवस्थित रीते वाँची लेवानुं छे जेथी तमने खबर पड़े कि कयो प्रश्न कई रीते लखवानो छे। त्यारबाद प्रश्नपत्रमांथी तमारे फक्त ने फक्त प्रश्नों फक्त ने फक्त जवाबो लखवाना छे, प्रश्नों लखवाना नथी। अने आ प्रश्नों छे ए प्रश्नों तमारे सिक्वन्स में एटले क्रमानुसार लखवाना छे। हवे ए कई रीते लखीशुं तो उदाहरण तरीके प्रश्न नंबर 1, चबूतरो शा माटे बांधवामां आवे छे? तो आ प्रश्नों जवाब तमारे नीचे लखवानो छे, प्रश्न लखवानो नथी फक्त जवाब लखवानो छे। चबूतरो पक्षीओ माटे बांधवामां आवे छे, आ रीते तमारे प्रश्नों जवाब लखवानो छे। त्यारबाद बधा जे प्रश्नों छे ए प्रश्नों तमारे आवी रीते फक्त प्रश्न नंबर लखवानो छे। प्रश्न नंबर 1 उदाहरण तरीके मैं तमने जेम कीधुं तेम प्रश्न नंबर 1 छे, पेटा प्रश्न छे नंबर 1, नीचेना प्रश्नना उत्तर एक एक वाक्य में लखो। अने एमां प्रश्न नंबर 1 छे के चबूतरो शा माटे बांधवामां आवे छे, तो एनो डायरेक्ट तमारे जवाब नंबर 1 करीने लखीशुं। नंबर 1 जवाब, चबूतरो पंखीओ के पक्षीओ माटे बांधवामां आवे छे। आ रीते तमारे बधा ज प्रश्नों छे ए प्रश्नों तमारे आ रीते सिक्वन्सनी अंदर लखवाना छे। पछी प्रश्न नंबर 2 होय अने एनो पेटा प्रश्न 1 होय तो ए रीते तमारे कंटीन्यू शुं करवानुं छे, आ रीते जवाब क्वेश्चन नंबर मारी अने एनो जवाब लखता जवानुं छे, अने कोई भूल न थाय एनी तमारे काळजी राखवानी छे। प्रश्नपत्रना जवाब लखता समये तमारे केटली काळजी राखवानी छे? नंबर 1 આપણે જોવા જઈએ તો સૌથી પહેલા આપણે જે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે એ જવાબ બ્લુ એટલે કે ભૂરી પેનથી લખવાના છે। નંબર 2 આપણે વિચારીએ તો
प्रत्येक जवाब पूर्ण थता बे लाइन छोड़वानी छे, एटले के आपणे एक जवाब लख्यो हवे बीजो जवाब लखवाना छे, तो ए बन्नेनी वच्चे बे लाइन शू करी देवानी छे, छोड़ी देवानी छे, नहीं तो एक लाइन, बे थी एक लाइन शू करवानी छे, आपणे बे जवाबो वच्चे छोड़वानी छे, जेथी आपणुं लखाण छे ए व्यवस्थित रीते देखी शकाय। परीक्षक छे जे पेपर आपणुं जे लख्युं छे, जवाबो लख्या छे, एने चेक करवामां आसानी थई शके। प्रत्येक प्रश्नना जवाब क्रमानुसार लखवाना छे। मैं आगळ तमने वात करी के प्रत्येक प्रश्नना जे जवाब छे ए जवाब तमारे सिक्वन्स में एक पछी एक लखता जवानुं छे। जवाब लखता समय कोई भूल थई गई होय तो चेकचाक करवानी नथी। भूल उपर फक्त पेन थी एक लाइन करी देवानी छे। जे आपणी भूल थई गई छे ए भूल उपर आपणे फक्त शुं करवानी छे, पेन थी एक लाइन करी देवानी छे एनी उपर, जेथी पेपर तपासनार छे एने खबर पड़ी जशे के आ लखाण छे ए नकामू छे, एने चेक करवानुं नथी, वधारे चेकचाक करवानी कोई जरूर नथी। प्रश्न लखता समय कोई प्रश्न छूटी जाए तो ए प्रश्न तमारे पेपरना तमाम जवाब जो लखी तमाम जवाबो छे ए लखी लीधा बाद अंते जे ते प्रश्ननो ए प्रश्न होय ए नंबर मारीने ए नंबर लखीने तमारे ए प्रश्ननो जवाब लखी देवानो छे। वच्चे कोई जग्याए तमारे प्रश्ननो जवाब ए लखवानो नथी। आ बाबतनी तमे काळजी राखजो। प्रश्नपत्रना जवाबो तमारे सुंदर अने मरोड़दार अक्षरे लखवाना छे। पेपर छे प्रश्नपत्रना जे पेपर छे प्रश्नपत्र छे एना जे जवाबो छे तमारे व्यवस्थित अने सुंदर अने मरोड़दार अक्षरे लखवाना छे। दरेक प्रश्नपत्र वच्चे बे पेज छोड़वाना छे। उदाहरण तरीके आपणे गुजरातीनुं आ जे पेपर आपणे एना जवाबो छे प्रश्नपत्र छे एना जवाबो आपणे लखी दीधा। हवे आવતીકાલે ઇંગ્લિશનું પેપર છે, અંગ્રેજીનું પેપર છે, તો હવે એ પેપર તમારે લખવાનું છે, તો તમારે ગુજરાતીના પેપર પછી બે પેજ છોડીને એ પેપર લખવાનું છે। આ રીતે તમારે શું કરવાનું છે, પ્રશ્નપત્ર વચ્ચે બે પેજ છોડી દેવાના છે। ત્યારબાદ જે પ્રશ્નનો પેટા પ્રશ્ન હોય તેમાં જ પ્રશ્નનો જવાબ ક્રમાનુસાર લખવાનો છે। બીજા પ્રશ્નમાં ન લખાઈ જાય તેની તમારે કાળજી રાખવાની છે। જે પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્નનો પેટા પ્રશ્ન જેમાં હોય એમાં જ આપણે લખવાની, એમાં જ એ પ્રશ્ન આપણે શું કરવાનો છે, લખવાનો છે, અને એ પણ આપણે સિક્વન્સમાં એક પછી એક ક્રમાનુસાર લખવાનો છે। અને જો કોઈ પ્રશ્ન જો બીજામાં ન લખાઈ જાય એની કાળજી રાખવાની છે, એટલે કે જો કોઈ પ્રશ્ન આપણે લખી રહ્યા છીએ પ્રશ્નનો જવાબ એ પ્રશ્ન કોઈ બીજા પ્રશ્નમાં ન લખાઈ જાય એની આપણે કાળજી રાખવાની છે। ડિયર સ્ટુડન્ટ, આપણે પ્રશ્નપત્રના જવાબો લખતા સમયે જોડણીની કાળજી રાખવાની છે। વ્યવસ્થિત અને સુંદર અક્ષરો તો આપણે લખીશું જ, પણ સાથે સાથે આપણે જે જોડણી છે એ જોડણીને પણ ધ્યાનમાં રાખીને લખીશું। ડિયર સ્ટુડન્ટ, આપણો ગુજરાતીનો ધોરણ 7નો પીટી 1નો જે અભ્યાસક્રમ છે એ આ પ્રમાણે છે। પાઠ 1 ચબૂતરો, કાવ્ય 2 પર્વતતારા, પાઠ 3 મહેનતનો રોટલો અને વ્યાકરણમાં વિરામચિહ્નો। ડિયર સ્ટુડન્ટ, આ અભ્યાસક્રમ મુજબ તમારે પરીક્ષાની તૈયારી કરવાની છે। તમને આ બધા પાઠની જે પીડીએફ ફાઇલ છે, જે આપણે હમણાં પાઠ જે વાત કરી ચબૂતરો, પર્વતતારા, મહેનતનો રોટલો, આ બધા પાઠની પીડીએફ ફાઇલ તમને અગાઉથી જ મોકલી દેવામાં આવી છે, અને સાથે સાથે ક્વેશ્ચન બેંક પણ તમને મોકલી આપવામાં આવી છે, જેમાંથી તમારે પ્રશ્નોની સરસ રીતે તૈયારી કરવાની છે। પીડીએફ ફાઇલ અને ક્વેશ્ચન બેંકમાંથી તમારે પરીક્ષાની તૈયારી કરવાની છે, અને આ પ્રમાણે તમે સરસ રીતે પરીક્ષાની તૈયારી કરશો। મારા તરફથી તમને બધાને પરીક્ષાની શુભેચ્છાઓ। ડિયર સ્ટુડન્ટ, હવે આપણે પાઠ 1 ચબૂતરાનું ફરીવાર પુનરાવર્તન કરીશું। સ્ટુડન્ટ, ચબૂતરો પાઠની આપણે અગાઉ સમજૂતી મેળવી ચૂક્યા છીએ અને પુનરાવર્તન પણ કરી ચૂક્યા છીએ। આજે આપણે ફરીવાર ચબૂતરો પાઠનું
पुनरावर्तन करवानुं छे। तो चबूतरो पाठ एक चित्र पाठ छे, एटले के आ जे आपणने चित्र देखाई रह्युं छे ए चित्रनुं निरीक्षण आपणे करीए। चबूतरो गामनी मध्यमां बनावामां आव्यो छे। चबूतराની સામે એક પ્રવેશદ્વાર છે જેમાં નીચે કેટલીક ગાયો આપણને ચિત્રમાં દેખાઈ રહી છે। ચબૂતરાની સામે કેટલાક ઘર દેખાઈ રહ્યા છે। ચબૂતરા નીચે એક વ્યક્તિ બેસેલો છે અને એની પાછળ ચબૂતરાની નીચે એક બકરી બેસેલી છે અને એની સામે ચબૂતરાની સામે એક કૂતરો દેખાઈ રહ્યો છે। चबूतरा ऊपर केटलाक पक्षीओ बेसेला छे अने चबूतरानी आसपास केटला पक्षीओ छे पंखीओ छे ए उड़ी रहा छे। चबूतरा ऊपर चढ़वा माटे एक निसळनी पण व्यवस्था करवामां आवी छे जेथी पक्षीओनुं चण छे ए चण ऊपर मूकी शकाय अने कूंडीनी अंदर जे चबूतरानी नीचे जे कूंडी लटकी रही छे जेमां पाणी पण मूकी शकाय एना माटे निसळनीनी व्यवस्था करवामां आवी छे। चबूतरो ए पक्षीओनुं आश्रय स्थान छे ज्यां पक्षीओ पोतानो माळो बांधीने रही शके छे। चबूतरा ऊपर पक्षीओनी खावानी व्यवस्था माटे चण नाखवामां आवे छे अने कूंडीनी अंदर पाणी पण मूकवामां आवे छे। चबूतरो अष्टकोणीय पण होई शके छे अने पंचकोणीय पण होई शके छे, आठ खूणावाळो के पांच खूणावाळो पण होई शके छे। चबूतरा ऊपर छत बनावामां आवे छे जेथी पक्षीओने ताप अने वरसाद न लागी सके एनी सामे अमने रक्षण मळे एना माटे चबूतरा ऊपर छत पण बनावामां आवे छे। आवा चबूतराओ छे ए गामडामां पण जोवा मळे छे अने शहेरोमां पण जोवा मळे छे। डियर स्टूडेंट, आना परथी आपणे कही शकीए छे कि चबूतरो पक्षीओ माटे बांधवामां आवे छे। चबूतरामां ऊपर चढ़वा माटे निसळनीनी व्यवस्था होय छे जेना परथी चढ़ीने व्यक्ति निसळनी उपरथी जईने व्यक्ति चबूतरामां पाणी अने अनाजना दाणा मूकी शके छे। कूंडीमां पाणी अने जे चबूतरो छे एमां पक्षीओना चण माटे दाणा मूकी शके छे। चण एटले के पक्षीओनुं भोजन, दाणा जेने कहीए आपणे। चबूतरा ऊपर छत बनावामां आवे छे। शा माटे बनावामां आवे छे? तो ठंडी अने गरमी अने वरसाद, ठंडी गरमी अने वरसादथी जे पक्षीओ छे एमनुं रक्षण थई शके। खास करीने जोवा जईए तो गरमी अने वरसादथी पक्षीनुं रक्षण थई शके एना माटे छत बनावामां आवे छे। हवे आपणने एवું थाय के चबूतरो कोना माटे बांधवामां आवे छे? तो आपणे कही शकीए छीए कि चबूतरो पक्षीओ माटे બાંધવામાં આવે છે। ચબૂતરો છે એ ચબૂતરાની નીચે જમીનથી ઉપર એક ઓટલો પણ બનાવવામાં આવે છે અને એની ઉપર જે છે એ ચબૂતરો બનાવેલો હોય છે અને એ જે ઓટલો બનાવવામાં આવ્યો હોય છે એના ઉપર માણસો છે એ બેસી શકે છે અને એની આસપાસ જોવા જઈએ તો બાળકો છે એ બાળકો રમી પણ શકે છે। ડિયર સ્ટુડન્ટ, આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર चबूतरा पाठनुं पुनरावर्तन कर्युं अने पीटी वनની जे परीक्षा चाली रही छे एमां कई रीते आपणे लखवुं जोईए अने एमां कई कई बाबतोनी काळजी राखवी जोईए एनी पण आपणे आ वीडियोनी अंदर वात करी। डियर स्टूडेंट, आजना माटे आटलुं ज। आभार।